वो भले इलाकाई सतह पर हो, लिसानी सतह पर हो, मजहबी सतह पर हो, हमने तमाम पार्टी को खुश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सबसे खुशी की बात बताऊं कि जिस तरह हमारे मोहतरम जनरल सेक्रेटरी जो है वो कामरान खान भाई जो है वो पार्टी का मुनज़्ज़म किया है, नाराज कारकुनों को इकट्ठा किया है और पार्टी के लिए जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं कामरान खान भाई जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनको जो है वो बहुत ज्यादा खिलाज तहसीन आप लोग बकायदा जो तालियों में उनका जो है वो बहुत जो है वो खिलाज तहसीन पेश करें जिस तरह वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि उम्र के सिलसिले में असलम मिनाई भाई का मौका देखें जो किसी नौजवान से कम नहीं है कि वो बाकायदगी से मरकज को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और अलहमदुल्ला इलाके पे जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटीज लेडीज विंग की, बिजनेस विंग की और जो है वो यूथ विंग की, एपीएमएसएफ की जो है वो चलती रहती है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जनाब आला के ये जो कहा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ साहब की जमात में जो है वो एक नोटिफिकेशन निकलता है और एक जो है वो कैंसिल हो जाता है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, वाजे कर दूं। देखें जिनको अपनी कारकर्दगी से जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से खुद को मनवा लिया है उनको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। असलम मिनाई भाई वो शख्स है जिनके हवाले चाबियां जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद की थी। नजमा मिनाई बाजी वो है कि 10 की आवाज में से उनको जनरल मुशर्रफ पहचान लेते हैं, ठीक है। मैं एक नाचीज आदमी हूं, मैं 2017 में मैंने ज्वाइन की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कायद को जितना मुझसे हो सका मैंने मीडिया को डिफेंड किया, तो आज ये सूरत हाल है कि मैं मुझे जो है वो सियासी मुकदमा असीली भी काटनी पड़ी तो मेरे 2500 फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए थे। मैं जब जेल गया था मेरे फॉलोअर्स 60,000 थे, लेकिन जब मैंने जिस तरह मुकदमा का सामना किया तो मेरे फॉलोअर्स 62,000 क्रॉस कर गए। ये मैं परवेज मुशर्रफ की जान का सबका समझ के अदिया करता हूँ कि ये फॉलोअर्स भी मेरे इसलिए कि ये वो तमाम वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ से मोहब्बत करते हैं, जिनको पता है कि कराची की आवाज जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब है। बाकी काली भेड़े हर जगह नहीं है। देखिए आप मीडिया है, आप लोग वो लोग हैं जो पुलिस की करप्शन से लेकर सियासी एवानों की करप्शन तक साबित करते हैं, तो आप लोगों को बेहतर पता है कि एक जब मरकज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरकज ये एक पुरानी जगह है, पहले हमारा मरकज था कश्मीर रोड पे, ठीक है। वहां कंप्लेनेंट्स ने रेजिडेंट्स ने जो है वो दरखास्तें दी कि इन लोगों को जो है वो से पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स को खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ हो गया तो हमारे घर तबाह हो जाएंगे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने करीब अजीज दोस्त को कहकर इस जगह असलम मिनाई भाई क्या होती थी। तो ये ऑफिशियल मरकज है, अगर कोई आपको बुला रहा है किसी किराए के शादी हॉल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी